हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों का क्लास 11th फिजिक्स चैप्टर चला रहे थे, पहला चैप्टर था। इसमें भौतिक राशि, मापन, ये सब मात्रा के सब बताया गया था। तो आज हम कुछ आगे बढ़ते हैं थोड़ा। मापन की विभिन्न प्रणालियां, मापन की विभिन्न प्रणालियां, देखिए मापन की विभिन्न प्रणालियां कौन कौन सी है। मापन की विभिन्न प्रणालियां तो उस तरह हमारी है चार प्रकार। पहला कौन है आपका, एमकेएस पद्धति। दूसरा आपका है सीजीएस पद्धति। तीसरा आपका है एफपीएस पद्धति। और चौथा आपका आता है एसआई पद्धति। ठीक है, देखिए यम के एस, यम का मतलब क्या होता है, मीटर। के से क्या होगा अपना, किलोग्राम। और यस का मतलब क्या होगा, सेकंड। एक चीज नोटिस कीजिए, राशियों के में मूल राशियों के साथ में प्रकार में बताया गया है ये सब। लंबाई का मात्रक मीटर होता है, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, और समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड। यदि कोई भी मात्रक किसी भी राशि का मात्रक ये सब प्राप्त होता है तो कहेंगे कि हमारा यह केस पद्धति है। अब देखिए सीजीएस पद्धति में सी से आपका हो जाएगा सेंटीमीटर। सेंटीमीटर हो गया, देखिए मीटर का सेंटीमीटर। अब यहाँ पर किलोग्राम था, अब जी से क्या आ जाएगा आपका, ग्राम आ जाएगा। और यस का क्या आ जाएगा आपका, सेकेंड में। ठीक है, नेक्स्ट आएगा आपका एफपीएस। एफ का मतलब हो गया फुट। पहले की प्रणाली क्या थी, फुट में ही तो लोग मापते थे। आजकल की यह नई प्रणाली आई है एसआई पद्धति आगे बताया जाएगा। एफ का मतलब हो गया फुट, पी का मतलब हो गया पाउंड, और एस का मतलब सेकेंड में। ठीक है, चलिए चार प्रणाली बनाई गई जहां पर मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, यह सब आता है। तुरंत कहेंगे हमारा एमकेएस पद्धति में आता है। अगर आगे आपका सीजीएस, कैसे पहचानेंगे सीजीएस, कहीं पर अगर सेंटीमीटर, ग्राम में लिखा गया है तो तुरंत कहेंगे हमारा सीजीएस पद्धति है। एफपीएस फुट पाउंड में आएगा तो एफपीएस, ये तो पुरानी प्रणाली है, अब इसे नहीं उतना चलाया जाता। अधिकतर हमारा एफपीएस चलता है और एसआई। अब देखिए एसआई पद्धति क्या है, एमकेएस पद्धति का भी विस्तृत रूप एसआई पद्धति, यानी दोनों का प्रारूप एक ही है, एमकेएस पद्धति और एसआई पद्धति हमारा वही है। ठीक है, ये चार पद्धतियां बनाई गई थी मापने के लिए, ये चारों आप लोगों को बताया गया। ठीक है ना, इतना आप लोग अध्ययन कर लेंगे, इसको नोट्स में भी कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ पर लिख लेंगे एसआई पद्धति में कि एमकेएस पद्धति का विस्तृत रूप ही एसआई पद्धति का है। ठीक है, सभी प्रणालियों के आगे अध्ययन करते हैं यथार्थता की सीमा। अब यथार्थता की सीमा क्या है इसके बारे में जानते हैं। चलिए, अच्छा आप लोग जितना बताया गया है कि जैसे बोर्ड है, ब्लैक बोर्ड है, इसको मापने के लिए हमको किसी न किसी फिट की आवश्यकता होती है, मीटर की प्रमुख आवश्यकता होती है। अब मान लीजिए आप लोग मीटर ले लिए, एक पाइप है, आप लोगों को कह दिया गया कि ये पाइप खींची गई है, दो लोगों को बुलाया गया, उनसे कहा गया कि आप आइए इसको मापिए। ठीक है ना, उन्होंने मापा था 5.1 आया सेंटीमीटर। दूसरे लोगों को मापने के लिए कहा गया, उनका मापा आ गया 5.1। ठीक है, फिर हमने फिर से मापा तो हमने देखा 5.1 ही आ रहा है। इसका मतलब हमने क्या देखा कि 5.1 की रिपीट ज्यादा हो रही है। ठीक है, तो कौन सा पैमाना मान रहा है, कौन सा मान रहेगा मेन संख्या 5.1 सेंटीमीटर ही है। कैसे आया, यानी जिस यंत्र द्वारा, यथार्थता की सीमा के लिए बता रहे हैं, जिस यंत्र द्वारा किसी भी राशि को शुद्ध शुद्ध मापा जा सके, हमारा क्या कहलाता है, यथार्थता की सीमा। जिस मापक यंत्र द्वारा किसी भी राशि को या किसी भी मान को शुद्ध शुद्ध मापा जा सके, यथार्थता की सीमा कहलाता है। इसकी परिभाषा लिख देते हैं, जिस मापक यंत्र द्वारा
मान को या राज को शुद्ध शुद्ध मापा जा सके, हमारा क्या कहलाता है? यथार्थता की सीमा। राइट, इतना क्लियर हो गया? आगे चलते हैं।